हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। हम पढ़ रहे थे बिजनेस रिसर्च मेथड और आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं यूनिवर्स। तो यूनिवर्स होता क्या है? यूनिवर्स जो है ये एक एंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ आइटम या फिर कोई ग्रुप ऑफ फिनोमिना को कहते हैं जिसको हम स्टडी करने वाले हैं, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, उसको यूनिवर्स कहा जाता है। और ये जो है इसके ब्रॉडेस्ट स्कोप होता है कि जो रिसर्च की पॉपुलेशन होती है, जो पूरी पॉपुलेशन होती है रिसर्च की, उसे यूनिवर्स कहा जाता है। और यूनिवर्स से ही हम सैंपल लेते हैं, फिर हम उस सैंपल पे हाइपोथेसिस करके उसे टेस्ट करते हैं अपनी रिसर्च को। तो स्टेप्स जो होते हैं यूनिवर्स डिफाइन करने के, तो सबसे पहले होता है कि आइडेंटिफाई रिसर्च ऑब्जेक्टिव के हमें डिटरमाइन करना होता है कि हम क्या लर्न करना चाहते हैं अपनी रिसर्च में से। फिर आता है स्पेसिफाई बाउंड्रीज, तो हमें डिफाइन करने पड़ते हैं अपनी ज्योग्राफिकल, टेम्पोरल या फिर डेमोग्राफिक बाउंड्रीज जो कि यूनिवर्स की रहेंगी, कि हमें कितना इतना पर्टिकुलर एरिया ये हम यूनिवर्स की तरह सेलेक्ट करेंगे और उसमें से इतना एरिया हम एज अ सैम्पल सेलेक्ट करेंगे। इसमें नेक्स्ट आता है क्लैरिफाई इंक्लूजन क्राइटेरिया, तो इसमें एस्टेब्लिश करना पड़ता है कि हमें क्या और कब इंक्लूड करना है अपने यूनिवर्स में। नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हम एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के बारे में स्टडी करना चाहते हैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में, तो हमारा यूनिवर्स जो होगा वो सारे एम्प्लॉयज होंगे जो कि ग्लोबल लोकेशन पे काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल लोकेशन पे काम कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ स्टेटिस्टिकल पॉपुलेशन। तो स्टेटिस्टिकल पॉपुलेशन जो है ये हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया है। तो ये स्टेटिस्टिकल पॉपुलेशन जो होता है ये सबसेट होता है यूनिवर्स का, ये यूनिवर्स के अंदर से ही एक सबसेट होता है जो कि जिसमें कि सारे के सारे इंडिविजुअल्स और आइटम इंक्लूड किए जाते हैं जो कि हमारी क्राइटेरिया ऑफ स्टडी में आ रहे हैं। ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें से कि हम सैंपल को ड्रॉ करते हैं, सैंपल हम इसमें से निकालते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारा यूनिवर्स हो गया, ये बड़ा वाला सर्कल, तो ये जो अंदर जो छोटा सर्कल है ये हम अपना सैंपल मान सकते हैं। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैंगी कि इसकी के ये डिफाइन करता है रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को। तो हमारा जो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है वो अलाइन करना चाहिए हम किस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसके बारे में। अब ये नेक्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक है कि ये इंक्लूसिव होता है, तो ये एनकम्पास करता है सारे पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स को और आइटम ऑफ इंटरेस्ट को। इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हम स्टडी करना चाहते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लेके, तो हमारा स्टेटिस्टिकल पॉपुलेशन जो होगा सारे कस्टमर होंगे जो परचेज करते हैं उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को जो कि लास्ट ईयर में उन्होंने परचेज किया हो उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को। अब नेक्स्ट हमारा आता है सैंपल। तो सैंपल जो होता है ये सबसेट होता है स्टेटिस्टिकल पॉपुलेशन का जो कि हम सेलेक्ट करते हैं अपनी एक्चुअल स्टडी के लिए। जो रिसर्चर्स होते हैं ये यूज करते हैं सैंपल को ताकि ये इन्हें पूरी लार्ज पॉपुलेशन के बारे में स्टडी ना करना पड़े और ये सिर्फ सैंपल को स्टडी करके अपना पॉपुलेशन के बारे में बता देते हैं। क्योंकि पूरे एंटायर पॉपुलेशन को स्टडी करना एक इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन माना जाता है इस वजह से, क्योंकि पॉपुलेशन तो बहुत बड़ी हो जाती है, पूरा यूनिवर्स बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम एक सैंपल साइज चूज करते हैं जिसकी वजह से हम स्टडी कर सकते हैं और अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं। इसकी करेक्टरिस्टिक है कि रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, तो जो हम सैंपल चूज करते हैं ये एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स को। नेक्स्ट है मैनेज साइज, तो ये फीजिबल होता है कि हम इसे कलेक्ट कर सकें और एनालाइज कर सकें। सैंपल जो है एक फीजिबल अमाउंट का हमारे पास साइज आ जाता है जिसमें कि हम आराम से उसे कलेक्ट और एनालाइज कर सकते हैं डेटा को। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए 1,000 कस्टमर है जिन्होंने एक प्रोडक्ट को परचेज किया, तो हम जो सैंपल साइज होगा वो 100 का सेलेक्ट करके अपने 100 कस्टमर पे सर्वे करके और हम ये बता सकते हैं कि 1,000 जो कस्टमर ने प्रोडक्ट को परचेज किया उनकी उनकी डेमोग्राफी क्या थी।
करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं गुड सैंपल की। तो सबसे पहली करेक्टरिस्टिक आती है रिप्रेजेंटेटिवनेस। तो सैंपल जो होता है ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए करेक्टरिस्टिक, जो पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको। इस तो जो रिप्रेजेंटेटिवनेस है इसकी वजह से हमें हेल्प मिलती है इंश्योर करने में कि हमारी जो फाइंडिंग है वो हम और भी रिसर्च में यूज कर सके। नेक्स्ट है एडिक्वेट साइज। तो जो सैंपल है ये लार्ज इनफ, इतना इतना बड़ा सैंपल साइज होना चाहिए जो कि स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हो और हमें रिलायबल रिजल्ट दे सके, ताकि हम और भी मैनेज कर सकें रिसोर्सेस को। नेक्स्ट है रेंडमनेस। तो जो सैंपल जो होगा उसके जो हर एक मेंबर होगा वो रेंडमली चूज किया होना चाहिए और हर एक मेंबर पे इक्वल चांस होने चाहिए सेलेक्ट होने के। इसकी वजह से हम बायसनेस को अवॉइड करते हैं और रैंडम सैंपलिंग का जो मेथड है ये, इसकी वजह से हम रैंडमनेस अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिनिमाइज्ड बायसनेस। तो जो सैंपल है उसमें कोई भी सिस्टमेटिक एरर नहीं होना चाहिए जिससे कि रिजल्ट हमारे खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्रिसीजन। तो जो सैंपल है वो इतना प्रिसाइज होना चाहिए कि उससे हम मीनिंगफुल ट्रेंड या मीनिंगफुल पैटर्न्स निकाल सकें। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। तो सैम्पलिंग की जो प्रोसेस है ये कंसिस्टेंट होनी चाहिए और रिपीटेबल होनी चाहिए जिससे कि हमें हमारी रिजल्ट की जो रिलायबिलिटी है वो हम बढ़ा सकें। आगे पढ़ लेते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। तो सैम्पलिंग फ्रेम जो है ये एक एक्चुअल लिस्ट होती है या फिर रिप्रेजेंटेशन होती है पॉपुलेशन की, जिसमें से कि हमने सैंपल निकाला है पॉपुलेशन में से, और ये आइडियली जो है उन सभी मेंबर्स को इंक्लूड करता है पॉपुलेशन की। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जिससे कि हम डिटरमाइन कर सकते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। तो सबसे पहला आता है आइडेंटिफाई सोर्स। तो हमें अपना जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, लिस्ट है या फिर रिकॉर्ड है, उसे हमारे को आइडेंटिफाई करना होता है, जैसे कि कस्टमर की लिस्ट हो गई, एम्प्लॉयज की डायरेक्टरीज हो गई। नेक्स्ट है क्रिएट अ लिस्ट। तो अगर कोई एग्जिस्टिंग फ्रेम अवेलेबल नहीं है तो हमें खुद एक प्रिलिमिनरली सर्वे के थ्रू एक फ्रेम हमें खुद बनाना पड़ेगा और डेटा कलेक्शन में भी हमें खुद ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है एंश्योर एक्यूरेसी। तो इसमें हम वेरीफाई करते हैं कि जो सैम्पलिंग फ्रेम है वो कंप्लीट है और अप टू डेट है, ताकि कोई भी डुप्लीकेटेड या तो कोई भी एंट्री मिस ना हो जाए या फिर कोई भी एंट्री डुप्लीकेट ना हो जाए। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक सर्वे करवा रहे हैं हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पे, तो जो सैम्पलिंग फ्रेम होगा वो यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट एनरोल किए गए होंगे वो हमारा सैम्पलिंग फ्रेम माना जाएगा। नेक्स्ट आता है सैम्पलिंग एरर। तो सैम्पलिंग एरर जो होते हैं ये अकर करते हैं क्योंकि एक वेरिएबिलिटी आ जाती है, एक वेरिएंस आ जाता है सैम्पलिंग के अंदर जब हम सैम्पल को सेलेक्ट करते हैं उस टाइम पे। तो इसकी और इसकी वजह से जो है हमारा रिजल्ट भी खराब हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग एरर, दो तरीके के सैम्पलिंग एरर होते हैं, रैंडम सैम्पलिंग और सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी। तो रैंडम सैम्पलिंग में जो है वेरिएबिलिटी आ जाती है सैम्पल में चांस की वजह से, जिसकी वजह से हम जो कि मिनिमाइज करता है फिर सैम्पल के साइज को। और सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी में डिफरेंस आ जाता है डिफरेंट डिफरेंट सैम्पल जो हमने निकाले थे सेम पॉपुलेशन में से। अब इनको रिड्यूस कैसे किया जाता है, तो हम सबसे पहले तो अपना सैम्पल का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम जब अपने सैम्पल का साइज जो है इंक्रीज कर देते हैं तो ये रिड्यूस कर देता है सैम्पलिंग एरर को और हमारा जो रिजल्ट है वो भी और एक्यूरेट आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमें प्रॉपर सैम्पलिंग मेथड जो है यूज करना चाहिए, यूज प्रॉपर सैम्पलिंग मेथड। तो इसमें हमें रैंडम सैम्पलिंग की जो टेक्निक है वो इंश्योर करती है कि जो भी मेंबर है उसमें पॉपुलेशन के पास इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का, इससे हमारा रिजल्ट और भी अच्छा हो जाता है। आगे देखते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर। तो नॉन सैम्पलिंग एरर जो होते हैं ये वो एरर होते हैं जो सोर्स से अराइज होते हैं, ना कि सैम्पलिंग प्रोसेस से। ये अकर कोई भी स्टेज पे अकर हो सकते हैं रिसर्च प्रोसेस की। अब इनके टाइप्स देख लेते हैं। तो ये चार टाइप के हैं। पहला है मेजरमेंट एरर। तो एरर ये तब आते हैं जब आप डेटा कलेक्शन करते हैं और आपने कोई इनएक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिया या फिर कोई पुअर वर्डेड क्वेश्चन आपने यूज कर लिया, उसकी वजह से ये मेजरमेंट एरर आते हैं। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स एरर। तो
ये एरर जो होते हैं ये रेस्पोंडेंट की वजह से होते हैं, जो जब वो इनकरेक्ट या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग एरर, तो ये एरर जो है डेटा एंट्री के टाइम पे आते हैं, कोडिंग के या फिर एनालिसिस के टाइम पे जो अकर होते हैं वो प्रोसेसिंग एरर होते हैं। और लास्ट हमारे आते हैं नॉन रेस्पॉन्स एरर, ये एरर जो होते हैं ये इनकम्प्लीट डेटा की वजह से आते हैं, जब इंडिविजुअल पार्टिसिपेट नहीं करता है या फिर रेस्पॉन्ड नहीं करता है उसकी वजह से जो एरर आते हैं वो नॉन रेस्पॉन्स एरर होते हैं। अब इन्हें रिड्यूस कैसे किया जाए एरर को, तो सबसे पहले हमें डिज़ाइन देखना पड़ता है। हमें सबसे पहले केयरफुली डिज़ाइन करना चाहिए अपना सर्वे और अपने इंस्ट्रूमेंट को, ताकि कोई भी एम्बिग्युटी या फिर बायसनेस नहीं आए हमारे सर्वे के अंदर। नेक्स्ट है ट्रेनिंग, तो हमें इंटरव्यूअर्स को ट्रेन करना चाहिए और डेटा कलेक्टर्स को एंश्योर करना चाहिए कि वो कंसिस्टेंट और एक्यूरेट डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है प्री टेस्टिंग, तो इसमें हमें पायलट स्टडीज कंडक्ट करवानी चाहिए जिससे कि हम आइडेंटिफाई और एड्रेस कर सके पोटेंशियल इशू को, जो कि हमारे फुल डेटा के कलेक्शन से पहले हम ये आइडेंटिफाई कर पाए पोटेंशियल इशू और पोटेंशियल इशू को। अब आगे पढ़ लेते हैं सैम्पलिंग साइज कंस्ट्रेंट, तो इसमें डिटरमाइन करता है अप्रोप्रिएट सैम्पल साइज, जो कि जिससे कि हमें एक्यूरेसी मिलती है, हमारी कॉस्ट भी कम रहती है और प्रैक्टिकल फीजिबिलिटी भी रहती है। अब फैक्टर जो हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं सैम्पल साइज को, तो सबसे पहला है डिजायर्ड प्रसीजन, तो अगर हाइयर प्रसीजन अगर आप चाहते हैं तो आपका सैम्पल साइज भी लार्जर होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस लेवल, तो हाई कॉन्फिडेंस लेवल जैसे कि 95 या 99% जो होते हैं ये लार्ज सैम्पल इन्हें चाहिए होता है ताकि ये एक्यूरेट रिजल्ट दे पाए। नेक्स्ट आता है मार्जिन ऑफ एरर, तो स्मॉलर मार्जिन ऑफ एरर तब होता है जब लार्ज सैंपल आप सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है अवेलेबल रिसोर्सेज, तो बजट और टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी रिसर्च में, जो कि लिमिट कर सकता है सैंपल साइज की फीसिबिलिटी को। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।